समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान आज 27 महीने के बाद जेल से रिहा हो गए, जिनको लेने के लिए प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव, आजम खान के दोनों बेटे अब्दुल्ला और अदीब सीतापुर जेल पहुंचे, जिनको लेकर वे रामपुर पहुंचे। रामपुर पहुंचने के बाद आजम खान का भव्य स्वागत हुआ और इसी बीच आजम खान के बेटे की बहू सिदरा खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 27 महीने बाद आजम खान अपने घर रामपुर आ रहे हैं और ये बहुत बड़ी खुशी का माहौल है। जनपद के सभी वासियों के लिए हमने एक ईद तो बहुत मनाई है, लेकिन आज आजम के आने पर एक ऐतिहासिक ईद मनाई जाएगी जिसको दुनिया याद रखेगी। आज बेशक ईद का माहौल है, घर वालों के लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के उन लोगों के लिए जो बेहद उनसे मोहब्बत करते हैं और उनके चाहने वाले हैं। किस तरह की तैयारियां हैं और इसके बाद में क्या रुख रहने वाला है? बस इंतजार है कि जल्द से जल्द वो आ जाए और उनके साथ बैठे, खुशी मनाए, उनके साथ रहे। यानी कि जो ईद गुजरी है उस पर ईद नहीं मनाई गई थी, आज ईद से ज्यादा बड़ा दिन मानते हैं। जब वो नहीं थे हमारे साथ 2 साल पहले तक, ईद का माहौल नहीं था। अच्छा, किस तरह से स्वागत मंत्री साहब का रामपुर में होने वाला है? अब आजम खान साहब, ये रामपुर वालों की मोहब्बत आप लोग आज देखेंगे, किस तरह का स्वागत होगा आप लोग भी देखेंगे आज। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को अंतरिम जमानत दे दी थी। शाम 5:30 बजे तक आजम की रिहाई के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी जेल तक नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए वे कल रिहा नहीं हो पाए थे।